हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम टू माय चैनल। आपका यहाँ पे बेहद स्वागत है। और जो चीज़ देख के आप आए हैं, जी हाँ, आज हम देखने वाले हैं तारक मेहता के कुछ स्पेशल मीम्स, क्योंकि ऑफ कोर्स तारक मेहता एक लेजेंडरी सीरियल है जिसमें बहुत ही ज़्यादा एपिक, फनी भी और इमोशनल भी हर तरीके के सीन्स होते हैं। लेकिन आज हम देखने वाले कुछ मीम्स और देखने वाले हैं कितने वो फनी हैं। यह बबीता जी दिखाई दे नहीं रही है। ये चौकीदार इधर है, मतलब खजाना भी आसपास ही होगा। तुम लोगों में से जिसको नहीं पता है, ये जो है वो आयर है, साउथ इंडियन है ऑफ कोर्स, और ये जो है वो बबीता जी के हस्बैंड है। मैं यह घर छोड़ के जा रहा हूँ, शाबाश, मैं रिक्शा बुला के आता हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए बबीता जी, ये प्रॉब्लम अय्यर भाई की वजह से है। नो, इनफैक्ट अभी भी मैं उनको छोड़ के आ रही हूँ। क्या बात कर रही है, आपने अय्यर भाई को छोड़ दिया? बहुत अच्छा काम किया है आपने, बहुत ही अच्छा काम किया। जीठा जी वो एक दिन के लिए दिल्ली गए हुए हैं, तो मैं तो एयरपोर्ट छोड़ने गई। म्यूजिक लिटरली जेठालाल, सच में नहीं भाई, नहीं, मतलब क्या बोलूं मैं। तो मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे। कौन चाहिए सुबह सुबह? हाय, हाँ, गुड मॉर्निंग। कुछ पूछना था तुमसे। सुबह सुबह तुझे और कुछ काम नहीं है? मुझे शादी करनी थी तुमसे। वाह 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 वाह, क्या बात कही है। जल्दी बोलो, अभी बैग सितारे नहीं, वरना वापस बॉम्बे चली जाती हूँ। वाओ यार, क्या एडिट है, सीरियसली जिसने भी एडिट किया ना, आई लव यू, सीरियस, आई लव यू, आई लव यू, इतना मस्त एडिट किया ना तुम लोग। ओ, ये दोनों सीन एक्चुअली सेम सीरियल के नहीं है, जेठालाल के उस सीन को एडिट किया गया है किसी एड आई थिंक के किसी मूवी का। ये हमारी कार है और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है। मजा नहीं आ रहा है अभी, फिर से होगा। रुको जरा, सबर करो। ये लोटा है, ये मेरा हाथ है, और ये झुनझुनू जैसी आवाज आ रही है ना, वो मेरा दुकान के गल्ले की चाबी है। सीरियसली मजा आया, इस वाले को कोई वायरल करो, इस वाले को कोई वायरल करो, सीरियसली ये वाला कितना डिफरेंट और फिर भी कितना ज्यादा फन है। ये लोटा है, ये मेरा हाथ है, और ये जो आवाज आ रही है ना, ये मेरे गले की चाबी है। बबीता जी भीड़े तुमने, ये चुप रहे। राइट भीड़े, अगर जेठालाल सामने है तो बबीता जी को सीटी मारने का, छेड़ने का सारा अधिकार सिर्फ जेठालाल को है, किसी और को नहीं, चाहे वो उसका हस्बैंड ही क्यों ना हो। जेठालाल ये अभी मुझे देख के भी सीटी मार रहा है, क्या बेशरम, घर में बाप भाई है क्या? नहीं इस सीन में एक्चुअली हुआ ये था कि जो ये भीड़े है वो सोसाइटी का मेंबर है, मेंबर नहीं है बल्कि क्या कहते हैं उसे, सेक्रेटरी है, उसे गले में सीटी अटक गई है, इसलिए उसके मुंह से जब भी वो बोल रहा है तो सीटी की आवाज निकल रही है। बट ये डायलॉग कितना अच्छा था, तुम्हारे घर में बाप भाई है कि नहीं? कितना हुआ भाई? 100 रुपया बाल काटे, 150 रुपये विजिट। चलो मेरे पास छुट्टे नहीं है, 250 रुपये, 250 मेरे पास भी छुट्टे नहीं है, आप भी बैठ जाइए, 500 पूरे हो जाएंगे। बे साले रुको जरा, अभी और सुनिए। तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारा मुंडन कर देता हूँ, तो 250 250 फिट हो जाएगा ना। कभी भी जेठालाल से पंगा मत हो, जेठालाल इज द बिगेस्ट सेवेज इन होल गोकुलधाम सोसाइटी। गोकुलधाम सोसाइटी में जेठालाल एक्चुअली, मतलब सीरियल का नाम तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ मतलब जेठालाल का उल्टा चश्मा ऐसा कुछ होना चाहिए था,
क्योंकि मेरे को सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट, सबसे ज्यादा फनी, सबसे ज्यादा सैवेज कैरेक्टर ये लगता, मतलब सीरियसली बताओ क्या कन्फ्यूज है अंकल, ये ग्रेविटी क्या होती है और ये न्यूटन कौन था? अगे ये तो बहुत सिंपल सवाल है, न्यूटन मेरा जैसा ही एक बड़ा साइंटिस्ट था। लेकिन अंकल आप कहाँ बड़े साइंटिस्ट हो? म्यूजिक सोच समझ के तारीफ करनी चाहिए, कभी भी किसी के सामने भी अपनी तारीफ नहीं शुरू कर देनी चाहिए, पहले सोच समझ लेना चाहिए कि किसके सामने बोल रहे हैं हमेशा, वरना वो बंदा अगर सेवेज निकला ना गंदी बेइज्जती कर देगा तुम्हारी। बोले बेटा मस्ते ना है, हम इधर ट्यूबलेट रिपेयर करने आए हैं। 12 seconds later हाँ, जिन लोगों को नहीं पता ये है तारक मेहता और ये उनकी बीवी अंजलि, जिनके नाम पे ये सीरियल है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। एक्चुअली ये सीरियल का नाम तारक मेहता का उल्टा चश्मा इसलिए है क्योंकि ये जो ये कैरेक्टर है तारक मेहता, ये सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर है, या फिर कहा जा सकता है कि ज्यादातर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन जो है ये फाइनली यही निकालते हैं, या फिर मतलब ये बहुत अच्छी बातें करते हैं इसलिए। और इनका एक डिफरेंट नजरिया है, उल्टा चश्मा मतलब डिफरेंट नजरिया है किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी चीज को देखने का। ओहो क्या बात है, ये देखा ना सेम सेम शर्ट, दोनों की एक ही पसंद है। पूरी की पूरी सोसाइटी में एक्चुअली जो जेठालाल है और तारक मेहता ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और तारक मेहता जो है वो हर बात जानता है जेठालाल के बारे में, ऑफकोर्स बेस्ट फ्रेंड है तो मतलब सिर्फ तारक मेहता को ये बात पता है कि जेठालाल हैज अ क्रश ऑन बबीता, इसलिए वो कह रहा है कि अय्यर जेठालाल की दोनों की सेम पसंद है। उसकी सच्ची तस्वीर पेश करता है, वो देश को और समाज को जागरूक रखने का काम करता है, पत्रकार होता है। ये जो कैरेक्टर है इसका नाम है पोपटलाल, और पोपटलाल की जो है बहुत ज्यादा एज हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये इनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, कुंवारे हैं। और ये मतलब इस कैरेक्टर का मेन यही रोल है कि पहला तो ये कि ये पत्रकार हैं, और दूसरा ये कि इनकी शादी नहीं हुई है, तो मतलब या तो इनकी शादी से रिलेटेड कुछ चलेगा इनकी लाइफ में, या फिर इनकी पत्रकारिता में कुछ ना कुछ गड़बड़े होती रहती है। तो वो पत्रकार के बारे में बता रहे हैं, पत्रकार ये होता है वो होता है, और ये बंदा पत्रकार कुवारा होता है। उनका परिवार और गोकुलधाम सोसाइटी और फाफड़ा जलेबी और गाठिया हाँ मंगाइए खा लेंगे। भाई कोई ऐसे इंसान को आप अगर सामने देखो तो खाने के बारे में जेठालाल, समाज सेवा तो हमारे जमाने में हुआ करती थी, तुम्हें पता है हमने नदी में पत्थर डाल के रास्ता बनाया था। क्या बात कर रहे भिड़े, तू हर बार हमारे जमाने ऐसा बोलता है, तो मुझे नहीं पता था तू रामायण के जमाने का है। भिड़े को वानर सेना में शामिल कर दिया सीधे। मैं आपके घर पर गई थी। हाँ। और माधवी जी घर पर नहीं है? नहीं वो तो अचार का ऑर्डर देने बाहर गई है। ओह मुझे भी नींबू के अचार का ऑर्डर देना था। अच्छा कितने टन? किलो में नहीं, सामने वाले इंसान को देख के बात की जाती है ना, और उसको साइज देख के पता लग रहा है कि वो अचार का ऑर्डर किलो में नहीं देगी, टन में देगी। करना चाहिए। ताला कौन होता है? पत्नी का भाई। पत्नी समझते? अरे भगवान मुझे सिर्फ एक साला दे देना तो मैं अपने जीवन की पूरी पूंजी लगा दूं उसकी सफलता के लिए। जीवन की पूरी पूंजी मतलब 3,500 रुपए? बोला बेटा किसी सैवेज इंसान के सामने अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, पहले सोच समझ लेना चाहिए कि किसके सामने बोल रहे, क्योंकि सामने से ऐसी दौड़ती हुई बेइज्जती आएगी। ओ नहीं नहीं आज मैं उसको सबक सिखाऊंगा ही, अगर आज जेठालाल टाइम पे नहीं आया ना मीटिंग में तो अगली बार मैं उसको बुलाऊंगा ही नहीं।
नहीं बराबर है भाई, जीवन में हर चीज का एक वक्त होता है और उसी वक्त में वो चीज होनी चाहिए। शादी करना उसका कोई फायदा नहीं। तो अभी तक आपकी शादी क्यों नहीं हुई? तेरा बाप। आई न्यू इट, आई जस्ट न्यू इट। मेरी माँ कहती है तू सबसे अच्छी जोड़ी हमारी है, राधा और कृष्ण की जोड़ी। नहीं, सबसे बेस्ट जोड़ी तो अय्यर भाई। मजाक नहीं। Oh my God, कौन है इसका राइटर? Seriously, इस सीरियल का राइटर कौन है यार? मैंने सीरियल मतलब काफी देखा, मतलब बहुत ज्यादा देखा। Actually, this is, सब जानते हैं कि ये इंडिया का सबसे लंबा चलने वाला सीरियल है, सबसे लंबा सीरियल है। और सबसे लंबा होने के साथ साथ मतलब इसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, डिफरेंट चीजें आती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई कोमा में चला गया तो 7-8 महीने तक एक ही चीज चल रही है, ऐसा नहीं है। इनका एक कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते चलता है, एक महीने भी चलता है, लेकिन कभी ठीक मतलब अच्छा है, एंटरटेनिंग है। मैंने सीरियल को काफ़ी देखा है, लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं से इसके इतने सैवेज मोमेंट्स मिल ही जाते हैं। ओहो क्या बात है, आज तो मंडली पूरी जल्दी आ गई। कोई जल्दी नहीं आया है, तुम लेट आए हो लेट कमर। बाबा लेट कमर क्या शब्द है भाई पोपटा, लेट कमर। अरे भाई ये रस के कमर सुना था, ये लेट कमर क्या है? पतली कमर। पतली कमर पोपटलाल का थर्ड फीचर जो मैं उस टाइम बताना भूल गया था, बहुत ज्यादा पतला है। और तो तुम्हें देख के पता लग ही गया होगा। देखो जब तुम एक, मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि जो ह्यूमर है किसी का भी, तुम ह्यूमर को भी खराब कर सकते हो उसके बारे में ज्यादा सोच के, और तुम किसी भी चीज को ह्यूमर बना सकते हो अगर तुम नॉर्मल रहो तो। मतलब एक तुम अच्छा व्यवहार, अच्छी सोच रखो कॉन्स्टेंटली, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ठीकी, मुझ पर किसी की निगाह नहीं ठहरती, मेरा साथी ऐसा मुझे किसी की नजर ही नहीं लगती। self burn सच में। जैसा कि मैंने कहा, देखो अगर कोई मोटा, मेरी क्लास में एक मोटी स्टूडेंट थी एंड सब ठीक है आराम से, उसके मोटापे के बारे में जोक्स बनाते थे, वो उसके सामने बनाते थे, उसको खुद बोलते थे, उसको बुरा नहीं लगता था। या फिर हो सकता है, मुझे नहीं पता वैसे, हो सकता है उसे बुरा लगता है, लेकिन कई बार मैंने बोलने से पहले या फिर बोलने के बाद या फिर सुनने के बाद उसके सामने मैंने उससे पूछा कि तेरे को बुरा नहीं लगता, तो उसने खुद बोला कि अरे इसमें बुरा क्या मानना, ठीक है ना, नॉर्मल सी बात है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, आज के क्रिंज हमारे लिए आई थिंक इतना काफी होगा। मेरे हिसाब से आज के वीडियोस बहुत ज्यादा फनी थी, क्योंकि ऑफकोर्स हम फनी वीडियोस देख रहे थे, तो ऐसी वीडियोस तो नहीं होंगी। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सब पसंद आया होगा, और आप में से बहुत सारे लोग चले गए होंगे जो लोग देख रहे हैं, और प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आगे जो भी वीडियोस मैं डालूंगा वो आप तक पहुँचती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।